भी सपोर्ट किया और प्यार दिखाया अपना, और जितने भाई लोगों ने मेरे लिए दुआ की उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई लोग, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और वो हमारे सपोर्ट में आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई लोग। गाइस आज लाइव आने का यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा उन परिस्थितियों में चला गया था कि शायद मैं दोबारा सोशल मीडिया पे कदम नहीं रखता, पर कुछ दोस्तों ने समझाया और समझाने के बाद मैंने हिम्मत बांधी और आज मैं लाइव आ गया हूँ कि पूरी घटना के बारे में आप लोगों को बताऊँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ और कैसे कैसे हुआ, क्यों? क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं और आप लोगों के लिए ही हैं जो भी हैं। तो गाइस बात ऐसी है कि 17 तारीख को वीडियो एक ट्विटर पे ट्रेंड करती है और उत्तर प्रदेश पुलिस को वो टैग किए जाते हैं और उसके तुरंत बाद पुलिस मुझे बात करने के लिए बुलाती है कि आइए, आपकी कोई वीडियो है जिस पर लोग आपत्ति उठा रहे हैं और इसको जो है इस सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। मैं चला जाता हूँ और जाने के बाद मुझसे बात कर रहे होते हैं और एक साइड मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिखा जा रहा होता है। मुझे बात करने के लिए बुलाया गया और हाथों हाथ मुकदमा दर्ज कर कर मुझे मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जेल के अंदर फेंक दिया जाता है। ये तक मुझसे नहीं पूछा जाता है कि भाई कि क्या बात है, क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं, बस उठाकर फेंक दिया जाता है।